replacing last occurrence of a given character by the new characters. Just a previous example we discussed ki the replacing first occurrence of given character by new characters. In this case mein just first occurrence replace nagar aake replace kya karana hai last occurrence. For example, is problem ko solve karne ke liye maine function name create kiya hai replace last. Can we just replace kya karana last occurrence. Then iske andar input mein maine pass kiya as a string as label or लेवल लेवल के रिस्पेक्ट में जस्ट मुझे ई का लास्ट ऑकरेंस रिप्लेस क्या कराना है जस्ट मुझे ई कैरेक्टर ई प्लस कैरेक्टर ई का लास्ट ऑकरेंस मुझे रिप्लेस कराना है जस्ट न्यू कैरेक्टर एस आई ई से ई इज रिप्लेस्ड बाय आई. इस केस में अगर ई के रिस्पेक्ट में बात करें तो ई टोटल टू टाइम्स रिपीट हुआ लेकिन इस केस में रिपीट इसका कौन सा ऑकरेंस रिप्लेस कराना फर्स्ट और लास्ट लास्ट. इस लास्ट ऑकरेंस को रिप्लेस कराने के लिए जस्ट सबसे पहले परफॉर्म क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे इंडेक्स ऑफ last index of old character means this one is nothing but old this one is new means next one is case mein just e ko replace kisse karana hai I se e is replaced by I from a given strings. In that case sabse pehle aapko problem solve karne ke find out kya karna hai what is the last index of this existing character e. To sabse pehle character e ka last index find out karne ke liye सपोज दैट मैंने क्रिएट किया सम फंक्शन एज लास्ट इंडेक्स. आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया था लास्ट इंडेक्स ऑफ विच कैरेक्टर मीन्स फाइंड आउट किसमें कराना है गिवन स्ट्रिंग में फाइंड क्या कराना है लास्ट इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर ई. तो ये फंक्शन आपको रिटर्न क्या करेगा लास्ट ऑकरेंस ऑफ ई देन इसे लास्ट इंडेक्स में जस्ट आसान क्या कराओगे नाउ एस ऑफ आई आई में क्या लास्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स ऑफ गिवन कैरेक्टर और लास्ट ऑकरेंस एस ऑफ आई में जस्ट आप डायरेक्टली क्या सेंड करा दोगे जस्ट न्यू कैरेक्टर सी एस लाइक दैट मीन्स इट टू स्टेट में सफिशियंट है. तो फाइनली इस प्रॉब्लम को टू स्टेप्स में डिवाइड कर रहा हूँ. फर्स्ट वन इज रिप्लेस लास्ट और रिप्लेस लास्ट इंटरनली यूज क्या करेगा लास्ट इंडेक्स ऑफ. तो इसके लॉजिक्स में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका अगेन फिर से मैं सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टू फंक्शन क्रिएट करूंगा लास्ट इंडेक्स ऑफ और रिप्लेस लास्ट. सबसे पहले लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन रिटर्न क्या करेगा मीन्स आइदर इंडेक्स्ड पोजिशन ऑफ सर्चिंग कैरेक्टर ई और माइनस वन. अगर सर्च फेल होता है तो उस केस में रिटर्न क्या कराएंगे माइनस वन. तो इस केस में जस्ट रिटर्न टाइप यूज करेंगे एज ए इंटीजर. सबसे पहले मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ लास्ट इंडेक्स ऑफ इंटीजर फंक्शन नेम एज लास्ट इंडेक्स ऑफ प्लस लास्ट इंडेक्स सर्च केस में कराएंगे और एवरी टाइम स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट पास हुआ है इसलिए यूज क्या करोगे कैर स्टार एस. सेकेंड आर्गुमेंट क्या है सम कैरेक्टर सी एस देयरफॉर वी आर यूजिंग कैर सी एस. नेक्स्ट वन किसी भी कैरेक्टर का लास्ट ऑकरेंस आपको कब मिलेगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड मीन्स अगर आप स्ट्रिंग को राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्स करोगे राइट टू लेफ्ट जो भी फर्स्ट ऑकरेंस होगा राइट टू लेफ्ट फर्स्ट ऑकरेंस इटसेल्फ क्या है लास्ट ऑकरेंस. क्लियर. तो राइट टू लेफ्ट सर्च करने के लिए यूज क्या करेंगे हम स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन और लेंथ फंक्शन के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड क्या है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. तो सबसे पहले गिवन स्ट्रिंग का लेंथ काउंट करेंगे बाई यूजिंग वेरिएबल आई एंड लेंथ. लेंथ को स्टोर करने के लिए सेपरेट वेरिएबल क्रिएट किया समथिंग एल ई एन. नेक्स्ट वन फोर लूप. इस लूप को यूज करने का जस्ट पर्पज क्या है काउंटिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आई इक्वल्स टू जीरो और सिंपली लेंथ इक्वल्स टू जीरो इटसेल्फ. इनिशियल लेंथ क्या है जस्ट जीरो. देन परफॉर्म कब तक कराना है एस ऑफ लेंथ इज नॉट इक्वल्स टू नल और एस ऑफ लेंथ. देन एवरी टाइम परफॉर्म क्या होगा लेंथ प्लस प्लस. इस डमी लूप के थ्रू जस्ट कैलकुलेट क्या होगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस लेंथ अवेलेबल किस वेरिएबल वेरिएबल लेंथ में. इसके लॉजिक्स ऑलरेडी इंप्लीमेंट करा चुका हूँ. एक बार आपका लेंथ आ गया देन इस स्ट्रिंग को राइट टू लेफ्ट विजिट करोगे राइट टू लेफ्ट विजिट करने के लिए मीन जस्ट कैरेक्टर सर्च करना. तो कैरेक्टर को सर्च करने के लिए आई में क्या सेंड कराएंगे इंडेक्स ऑफ लास्ट कैरेक्टर. लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स क्या है ऑलवेज लेंथ माइनस वन देयरफॉर वी आर इनिशियलाइजिंग आई बाई लेंथ माइनस वन. नेक्स्ट अगर आप चाहो तो इस प्लेस पर लेंथ एक्स्ट्रा वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं क्योंकि लेंथ के प्लेस पर डायरेक्टली यूज किया जा सकते हैं वेरिएबल आई मीन्स आई इक्वल्स टू जीरो. देन इस प्लेस पर यूज कर सकते हो एस ऑफ आई. देन लेंथ प्लस प्लस के प्लेस पर यूज क्या करेंगे आई प्लस प्लस. तो आई इटसेल्फ इस केस में मैनेज क्या कर रहा है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. देन इस प्लेस पर लेंथ आई इक्वल्स टू लेंथ माइनस वन के प्लेस पर यूज क्या करेंगे आई माइनस वन और सिंपली
आई माइनस माइनस, दोनों की मीनिंग कैसे सेम। नेक्स्ट वन, लूप कब तक चलाना इस केस में, जब तक आई का वैल्यू जीरो से बड़ा या फिर सर्चिंग कैरेक्टर फाउंड नहीं हो जाता सी एच। तो इस केस में टू कंडीशन से अप्लाई करेंगे, मीन्स वाइल आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और दूसरा केस क्या है इस केस में एंड। सेकेंड कंडीशन क्या रहेगा, जस्ट जब तक एस ऑफ आई का वैल्यू सी एच से मैच नहीं हो जाता, मीन्स एस ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू सी एच, क्लियर। एवरी टाइम आई में क्या मीन्स राइट टू लेफ्ट रिलेट कर रहे हैं, तो राइट टू लेफ्ट मीन्स अगर इसका लेंथ का इंडेक्स क्या है जीरो वन टू थ्री फोर, फर्स्ट टाइम कैसा नहीं होगा फोर, देन थ्री, देन टू, देन वन, देन जीरो, एवरी टाइम परफॉर्म क्या होगा माइनस माइनस, क्योंकि बस जस्ट सिक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रो कर रहा है, क्लियर। वन मोर थिंग्स, अगेन इस लूप को क्या बनाना है, डमी लूप। सपोज दैट इस फर्स्ट कंडीशन कब तक ट्रू रहेगा, जब तक आई का वैल्यू जीरो नहीं हो जाता, और सेकंड कंडीशन कब तक ट्रू होगा, जब तक सी एच इसमें फाइंड नहीं हो जाता, जैसे ही सी एच मैच होगा देन नॉट इक्वल टू कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा देन कंट्रोल बाहर आएगा। दूसरा केस, अगर गिविन कैरेक्टर फाइंड नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल इस केस में एक सर्चिंग कैरेक्टर पास किया जाए एक्स, तो एक्स इसके अंदर कहीं सर्च हो रहा है क्या, नहीं। कब तक सर्च होगा फोर, देन थ्री, थर्ड इंडेक्स से मैच होगा देन सेकंड इंडेक्स, देन वन, देन जीरो, देन उसके जस्ट बाद में माइनस माइनस होगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस वन, माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मीन्स कैरेक्टर मैच नहीं हो रहा है उसके। इसमें अल्टीमेटली आई का वैल्यू माइनस वन हो रहा है, इसलिए आपको मैनुअली माइनस वन फेल्योर के केस में मैनुअली आपको माइनस वन रिटर्न कराने की जरूरत नहीं, मीन्स इस केस में जस्ट लूप के बाद आप रिटर्न क्या कराओगे, रिटर्न माइनस वन। इसे ऑपरेशन में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ, फिर भी एक बार मैंने अगेन रिपीट कराया, क्लियर। नेक्स्ट वन, अब आपको फाइनली मेंटेन क्या करना है, रिप्लेस लास्ट। तो रिप्लेस लास्ट के केस में जस्ट फंक्शन का रिटर्न टाइप यूज करेंगे एज अ वॉइड रिप्लेस लास्ट और मीन्स लास्ट ऑकरेंस। देन इस केस में टोटल आर्गुमेंट कितने पास होंगे, वन टू थ्री, कैर स्टार एस, देन कैर ओल्ड कैरेक्टर, कैर न्यू कैरेक्टर और न्यू सी एच, क्लियर। देन इसे रिप्लेस लास्ट फंक्शन में सबसे पहले आप सर्च क्या करोगे, इंडेक्स्ड पोजिशन और लास्ट इंडेक्स ऑफ ओल्ड कैरेक्टर। ओल्ड कैरेक्टर का लास्ट इंडेक्स सर्च करने के लिए जैसे ही सर्च होता है उसके जस्ट बाद इमीडिएटली इसी प्लेस पर आप आसान क्या करा दोगे, न्यू कैर। इस केस में आपको कोई भी कंडीशन राइट डाउन करने की जरूरत नहीं, जस्ट कॉल क्या करेंगे, इस केस में आपको सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या है, इंडेक्स टू पोजिशन समथिंग आई, आई इक्वल्स टू लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ विच कैरेक्टर, ओल्ड। ये ओल्ड कैरेक्टर का लास्ट ऑप्शन ऐसे में सर्च होगा तो इस प्लेस पर या तो अरे ओल्ड कैरेक्टर एग्जिस्टिंग है फाउंड हो रहा है, देन क्या आएगा इस केस में सम इंडेक्स्ड वैल्यू, अदरवाइज क्या आएगा माइनस वन। अगर आपके पास माइनस वन रिटर्न हुआ देन इसका मतलब क्या है, ओल्ड कैरेक्टर फाउंड ही नहीं हो रहा, देन आपको सर्च और कोई भी रिप्लेस ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस केस में कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ आई इज नॉट इक्वल्स टू माइनस वन, अगर आई का वैल्यू माइनस वन नहीं है देन इस केस में जस्ट एस ऑफ आई के प्लेस पर आसानी के कराओगे, एस ऑफ आई इक्वल्स टू न्यू कैर, क्लियर, न्यू कैर, देन क्लोज दिस लूप। सॉरी, इस केस में कोई लूप है ही नहीं, जस्ट इस फंक्शन को डायरेक्टली क्लोज कराएंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने प्रॉब्लम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया सेपरेटली, जिससे आपके लिए इजीली समझना पॉसिबल हो। देन इसके जस्ट बाद आप प्रोवाइड क्या करोगे, मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन के रिस्पेक्ट में सेम ओल्ड ऑपरेशन है, नथिंग न्यू, वॉइड मेन। मेन के रिस्पेक्ट में जस्ट आपको इनपुट्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, थ्री इनपुट्स, मीन्स कैरेक्टर एरे, ओल्ड कैरेक्टर, कैरेक्टर एरे एस, ओल्ड कैरेक्टर एंड न्यू कैरेक्टर सी एच। आप न्यू कीवर्ड यूज मत करना, रीजन क्या, न्यू क्या, न्यू या कीवर्ड इन सी प्लस प्लस, हो सकता है अगर आपने प्रोग्राम का एक्सटेंशन डॉट सी पी भी रखा देना उसके इसमें कंपनी को क्यों कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल नेम और एज अ आइडेंटिफायर यूज करना पॉसिबल, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा न्यू के प्लेस पर जस्ट यूज क्या करेंगे, जस्ट न्यू सी एच। सेम है ओल्ड के प्लेस पर आप कुछ ओल्ड भी यूज कर सकते हो और ओल्ड सी एच, ओल्ड कोई कीवर्ड नहीं है इसलिए। नेक्स्ट टाइम इनपुट्स में रीड क्या कराएंगे, स्ट्रिंग गेट्स एस, देन सेकेंड स्ट्रिंग ओल्ड कैरेक्टर, मीन्स जिस कैरेक्टर को रिप्लेस कराना है वो कैरेक्टर रीड कराना है, इसके लिए यूज क्या करेंगे, ओल्ड जस्ट गेट कैर फंक्शन और वी आर यूजिंग सिंपली गेट सी एच, सॉरी स्कैन एफ। नेक्स्ट वन फ्लश ऑल
टू फ्लश द कंटेंट्स ऑफ बफर। देन अगेन न्यू कैरेक्टर रीड कराने के लिए फिर से सेम फंक्शन कॉल करा लेंगे गेट कैर। गेट सी एच भी वैलिड फंक्शन, लेकिन गेट सी एच से बेस्ट केस क्या रहेगा, यूजिंग गेट कैर। इसके जस्ट बाद कॉल क्या करा हुए फंक्शन क्या इंप्लीमेंट किया, रिप्लेस लास्ट, रिप्लेस लास्ट। और रिप्लेस लास्ट में आप जस्ट पास क्या करोगे, स्ट्रिंग एस कॉमा ओल्ड कैरेक्टर एंड न्यू कैरेक्टर, न्यू कैरेक्टर इज न्यू सी एच। देन क्लोज दिस। देन फाइनली ओरिजिनल स्ट्रिंग डिस्प्ले कराएंगे यूजिंग पुट्स फंक्शन। सप्लाई क्या करोगे, ओरिजिनल स्ट्रिंग एस। इज द एक्चुअल कोड फॉर सॉल्विंग गिवन प्रॉब्लम्स।